How do you see this initiative till now? We came up with this concept of grief counselling in 2017. December ke mahine mein humne Mrs. Renu Mathur jo hain grief counselor, unko humne apne thane ke saath joda tha, mahila thane ke saath. Aur I'm glad to tell you this that us din se leke aaj tak wo hamare thane ke saath judi hui hain aur humne isme प्री रजिस्ट्रेशन स्टेज से लेके पोस्ट रजिस्ट्रेशन तक के जो विक्टिम्स रहे हैं उनके साथ बातचीत करके उनकी जो दिक्कतें हैं उनको हमने सॉल्व करने की इसके थ्रू कोशिश की है. काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जहाँ पे माइनर बच्चे हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, जो अपनी बात शायद उतने अच्छे से बता नहीं पा रही होती या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके कि वो इस चीज़ को दे नॉट एबल टू कम आउट ऑफ यू नो द सिचुएशन दैट दे वर इनटू. तो वैसे केसेस में हमें इसकी बहुत हेल्प मिली है और एक ये भी एक प्राउड की बात है हमारे लिए, पंचकुला पुलिस के लिए, कि ये फर्स्ट इनिशिएटिव रहा है हमारा पूरे स्टेट में. और इस पुलिस स्टेशन में जो भी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें किसी बच्ची के साथ या लड़की के साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई होती है, मोलेस्टेशन या असॉल्ट वाली, या किसी पारिवारिक मसले में किसी लेडी को या लड़की को बहुत फिजिकली टॉर्चर किया गया हो या उसके ऊपर कोई अटैक किया गया हो, इसके बारे में मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब कोई भी केस आता है पुलिस स्टेशन में या किसी लीगल सेटअप में तो ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उन केसेस को लीगली हैंडल करने की या उनकी जैसे जो प्रोसेस होता है चार्जशीट फाइल करना, टू कोर्ट करना, मगर उस सारे प्रोसेस में जो विक्टिम या सर्वाइवर है और उसकी जो फैमिली है उसके साथ जो मेंटल ट्रॉमा होता है उसमें उनकी सपोर्ट करने वाला या उनको समझाने वाला कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है. वहाँ पे मेरा रोल आता है कि उन परिवारों को मैं टू माय बेस्ट एबिलिटी इस तरह की सपोर्ट और काउंसलिंग देने की कोशिश करती हूँ.